हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा भेद व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने देखा कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, ऐसे वर्ण स्वर होते हैं। आज हम देखने वाले हैं व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे होते हैं व्यंजन। यहाँ पर व्यंजन होते हैं 33। कितने? 33। कुल व्यंजन 33। यहाँ पर देखो, क से लेकर अंग तक ये क वर्ग के व्यंजन हैं, ये च वर्ग के व्यंजन हैं, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के व्यंजन। यहाँ पर जो तरीका उन्होंने लिखा हुआ दिया हुआ है, यहाँ पर जो लिखने का तरीका है, इसी तरह से व्यंजन तुमने लिखने हैं। तो चलो जानते हैं व्यंजन को। क, ख, ग, देखो ग, ग और अ, दो यहाँ पर तुम्हें ध्वनियाँ दो सुनाई दे रही है, अर्थात ग व्यंजन में स्वर भी वहाँ पर तुम्हें मिला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ग, ग और अ, ये दो ध्वनियाँ तुम्हें सुनाई दे रही है। ऐसे सारे शब्दों को हम बोलेंगे, वहां पर तुम्हें दो ध्वनियां सुनाई देगी, एक व्यंजन की और दूसरी आधा व्यंजन और दूसरी स्वर की। जैसे ग आधा व्यंजन और अ, अर्थात स्वर। तो यहाँ पर दोनों मिलकर हमने अभी देखा कि व्यंजन कौन से होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। ग ओ की ध्वनि सुनाई दी, यानी यहाँ पर आधा व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर ये व्यंजन तैयार हुआ। ग, वैसे सारी ध्वनियां सुनो। घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। देखो, ये सारे जो व्यंजन हमने बोले, इस व्यंजन के उच्चारण के वक्त, इन वर्णों के उच्चारण के वक्त, इन व्यंजनों के, इन वर्णों के उच्चारण के वक्त यहाँ पर स्वर की ध्वनि हमें मिश्रित मिली। यहाँ पर जो स्वर है वो हमें सुनाई दिए, यानी इस वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये है संयुक्त व्यंजन। देखो, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये हुए चारों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात इसमें संयुक्तिक स्वरूप है, यानी इसमें दो व्यंजन है, दो व्यंजन को एकत्रित रूप ये संयुक्त व्यंजन होता है, इसमें दो व्यंजन मिश्रित है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन मिश्रित होते हैं, यहाँ पर क्ष, त्र, य, श्र, यह
संयुक्त व्यंजन है। अन्य वर्ण यहाँ पर ड ढ, ये अन्य वर्ण है। तो देखो बच्चों, व्यंजन के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है, हम संयुक्त वर्ण के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। देखो बच्चों, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यहाँ पर जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, देखो जो वर्ण, अभी एक श एक वर्ण है, अभी ये वर्ण अर्थात जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बना है, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बना है और स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और स्वतंत्र रूप में जैसे क्षमा वगैरह ऐसे जो शब्द बनते हैं क्षत्रिय, स्वतंत्र रूप में वो प्रयोग में लाया जाता है, ऐसे शब्द जो ऐसे जो वर्ण है, ऐसे जो वर्ण है, इन वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वापस देखो, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने हैं और स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखो क, अभी यहाँ पर क्ष में ये दो व्यंजन हैं, ये दोनों के मेल से क्ष बनता है। ये देखो क, यहाँ पर इसमें स्वर नहीं है, यानी ये आधा क है, क और उसका मेल श से है, क्ष। देखो उच्चार करो, क्ष बोलो, क्ष बोलो, क्ष बोलने पर तुम्हें उसमें क और क्ष इनका मेल दिखाई देगा, सुनाई देगा, बोलो क्ष, क अंदर के अंदर ऐसे क क्ष ऐसा सुनाई दे रहा है। देखो क्ष, क और श का मेल होने पर क्ष बनता है। आगे का देखो, त र त्र, त्र, त्र का उच्चारण करो, त्र, देखो तुम्हें समझ में आएगा, त र दोनों ध्वनि सुनाई देगी, त्र त्र सुनाई दी, त्र, त और र, यहाँ पर त को भी हलंत लगाया है, अर्थात त यह व्यंजन है, यह आधा व्यंजन, उसे र, यहाँ पर दोनों का मेल से त्र बना है। ज ञ, ज ञ, 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 हिंदी में इसे ज्ञ कहते हैं, मराठी ज्ञ, इसे ज्ञ, ज्ञ कहना है, ज्ञ, ज और य, इन दोनों वर्ण के मेल से यहाँ पर ज्ञ बना। श, यहाँ पर हलंत लगाना रह गया, श र, श्र, श्र बोल के देखो, श्र, श और र ये दोनों वर्ण सुनाई देंगे, श्र, श और र, श्र। देखो वापस, क और श के मेल से क्ष बना, त और र के मेल से त्र बना, ज और ञ के मेल से ज्ञ बना, श और र के मेल से श्र बना। तो यहाँ पर ये हुए संयुक्त व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ श्र, ये हुए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने हैं और स्वतंत्र रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन तुम्हारे समझ में आए होंगे ना, तो उसकी पढ़ाई, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन की पढ़ाई तुमने करनी है।
उच्चार करके देखने हैं। उच्चार करने पर तुम्हें स्वर सुनाई देंगे, व्यंजन सुनाई देंगे और दोनों व्यंजनों के मेल से बना हुआ संयुक्त व्यंजन भी समझ में आएगा।